कौसर चाय ले आओ भाई, देर हो गई। फलक ये लीजिए। नहीं उठी अब? आज मेरी जबान पे भी सुबह से बार बार फलक का नाम आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे मैं उसे आवाज दूंगी और वो मुझे आगे से जवाब भी देगी। ये बेटियां भी ना माँ बाप के घरों में कितने कम वक्त के लिए होती हैं, कब बड़ी हो जाती हैं, कब अपने घरों को चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। सही कहा तुमने, कल फलक से मिलके ना मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल को तसल्ली हो गई। ठीक कह रहे हो, कामरान भी उसके साथ बहुत खुश दिख रहा था। कामरान बहुत सुलझा हुआ लड़का है, कल काफी देर मेरे साथ बैठा रहा, बातें करता रहा, लेकिन उसके लहजे में किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं था, कोई गुरूर नहीं था। और फिर देखो ना, जिन हालात में उसने हमारी बेटी का हाथ थामा है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। फलक है इतनी अच्छी, बहुत मासूम है मेरी बच्ची। उसकी किस्मत में कामरान जैसा ही अच्छा लड़का लिखा था। अब तो बस अल्लाह से एक ही दुआ है मेरी कि सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएं और ऐसे ही खुश रहें एक दूसरे के साथ। कामरान जुनेद की तरह नहीं है, वो फलक को कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही फलक अबीर की तरह है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देगी। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सारा कसूर अबीर का था? कसूर किसी का भी हो, सजा सबको मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।